हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आफ्रीन्स कुकिंग स्टूडियो। आज की हमारी रेसिपी है वेज हक्का नूडल्स। वेज हक्का नूडल्स बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़े से पैन में पानी गर्म करने के लिए रख दें। 1 टेबलस्पून नमक और 1 टेबलस्पून तेल डाल लें। अब इसमें नूडल्स ऐड करें और इसको 6 से 7 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दें। इसको ज़्यादा ओवर कुक ना करें। तो देखिए ये पक चुके हैं। अब जो बाकी का पानी है इसको एक छन्नी की मदद से स्ट्रेन कर लें और इमीडिएटली नूडल्स को ठंडे पानी से धो लें। यहाँ पर मैंने कुछ वेजिटेबल्स लिए हैं, गाजर, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, प्याज पत्ता, बारीक कटा हुआ लहसुन और एक प्याज। एक कढ़ाई में 4 टेबलस्पून तेल गरम कर लें। 1 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ लहसुन, 1 मीडियम साइज प्याज, इसको अच्छे से सौटे कर लें। अब इसमें प्याज पत्ता, पत्ता गोभी और गाजर डालेंगे। और इसको 1 मिनट के लिए सौटे कर लेंगे। अब इसमें शिमला मिर्च डालें और इसको 3 से 4 मिनट के लिए सौटे कर लें। रेडी हो चुका है। अब हम लोग इसमें नूडल्स ऐड करेंगे। नूडल्स डालने के बाद 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून रेड चिल्ली सॉस, 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून टोमेटो केचप और 1 टेबलस्पून विनेगर डाल लें। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लें। मिक्स होने के बाद फ्लेम को ऑफ कर दें। देखिए रेडी है वेज हक्का नूडल्स। इसको स्प्रिंग अनियंस या धनिया से गार्निश करें और सर्व करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।